नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी मैदान एरिया में हूं। आप देखिए, सुबह 8:30 बजे का टाइम है। यहां पर लोग स्पोर्ट्स कितना एंजॉय कर रहे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। इस विसिनिटी में विक्टोरिया मेमोरियल, ईडन गार्डन, रेस कोर्स और एस्प्लेनेड है। आई टोल्ड यू, हार्ट ऑफ द सिटी। विंटर्स में यहां पर लोग पिकनिक करने आते हैं और अदरवाइज खेलने। बहुत बड़ा ग्राउंड है, ह्यूज साइज। कुछ देर हम यहां पर घूमेंगे और उसके बाद चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। '98 में मैं कोलकाता आया था। आज ये येलो टैक्सी में बैठ कर ना मेरे को पुरानी यादें ताजा हो गई। अच्छा फील है इस तरह से एम्बेसडर पुरानी टैक्सी में बैठना। यहाँ पर चहल पहल देख के लग रहा है बड़ा फेमस और पुराना ब्रेकफास्ट पॉइंट है। आप कचौड़ी का डिजाइन, शेप और साथ में आलू की सब्जी देखो जो दी है। साथ में मैंने अपने लिए जलेबी मंगाई है। वैसे इस तरह की कचौड़ी मैं पहली बार खा रहा हूँ, इस तरह का साइज। ओ वाह, कितनी खस्ता है। टू गुड। अंदर स्टफिंग भी है दाल की। ये देखिए, आप मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। गर्म है, अभी अभी बनाकर दी है। और ये सब्जी ना, मैं खाने से पहले ही आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत टेस्टी होने वाली है। क्या होता है ना, चीज़ देखकर आइडिया लग जाता है कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो दैट वे मुझको लग रहा है इसका स्वाद बहुत जबरदस्त होने वाला है। ऑसम, बहुत शानदार आलू की सब्जी। आलू की ये सब्जी अच्छी है, लेकिन कचौड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है। कहने का मतलब ये है कि इस कचौड़ी के टेस्ट ने तो समा बांध दिया आज के ब्रेकफास्ट में। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये देखो आप, कितनी हाथ में पकड़ने से ही क्रिस्प लग रही है। और पतली जलेबी है, इसी तरह का पतली जलेबी या इससे भी ज़्यादा पतली मैंने गुजरात में खाई थी। इसका अपना टेस्ट आता है इन कंपैरिजन टू मोटा जलेबी। बहुत गुड। कहने का मतलब ये है, कचौड़ी के साथ इस तरह से आलू का सब्जी और इतनी क्रिस्प जलेबी, बड़ा ऑसम नाश्ता है। और सबसे बढ़िया बात है, जनवरी का महीना है, वेदर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस तरह के टेस्ट को। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। मीठा एकदम परफेक्ट है और क्रिस्पीनेस के तो क्या कहने। तो थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये। केसर चाय और इस तरह से कुल्लड़ में, मजा आ गया। बड़ी शानदार जलेबी बनाई है, मजा आ गया। सुबह शॉप कितने बजे खुलती है? 4 बजे खुलती है, 5 बजे सब माल मिलने लगते। सुबह 5 बजे जलेबी रेडी, सब मिले, सब माल इतना कचौड़ी, सिंघाड़ा, चाय, सब। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। ओह क्या चाय है यार, मैं पहले केसर चाय पिया हुआ, लेकिन इस तरह का टेस्ट तो पहली बार। ये कितने साल पुराना शॉप है? 40 करीब करीब होगा। बहुत शानदार, क्या केसर चाय का स्वाद है, 40 करीब गजब। अल्टीमेट कुल्हड़ का स्वाद, चाय का स्वाद और केसर का स्वाद, मॉडरेट लेवल पे मीठा और चाय एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। आज भाई साहब एक सेकंड, चाय भाई साहब बड़ी शानदार है, मजा आ गया। सब कुछ तो इसमें बताओ, क्या इतना बढ़िया टेस्ट क्यों आ रहा है? हमारी चाय में इलायची, केसर और हमारी चाय पत्ती है वो अपनी खुद की मतलब द्वारा बनाई गई खुद की ब्लेंड है, उसी इसीलिए उसकी चाय की टेस्ट इस कलर की। मैं यही सोच रहा था कि एक दो चीज नहीं है, काफी कुछ है।
और ये स्टाइल बहुत शानदार है। कलकत्ते में इसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं क्योंकि चाय कप वगैरह में यहाँ पर लाइक नहीं करते, इसका स्वाद अलग है। वो तो सही कह रहे हो। कुल्लड़ को क्या बोलते हैं यहाँ पर? भाड़। बहुत बढ़िया, और वो दूध भी बहुत शानदार है। एक्सीलेंट। इस समय हम विक्टोरिया मेमोरियल आए। मेरे साथ मिस्टर रघुनंदन विश्वास जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपनी सर्विसेज वॉलंटियर करते हैं यहाँ पर एज ए टूर गाइड। सर एक बार आप समराइज कर सकते हैं अबाउट दिस प्लेस विक्टोरिया मेमोरियल? एक्चुअली देखिए 1901 पर जब महारानी विक्टोरिया के देहांत हो गई, उनकी अपनी उम्र 82 साल पर, उस टाइम कलकत्ता थे भारत के राजधानी, और लॉर्ड कर्जन थे यहाँ के शासक या गवर्नर जनरल। उन्हीं के दिमाग से पहले आया कलकत्ता में उनकी यादगारी में एक बड़े बिल्डिंग बनाया जाए जिसका नाम होगा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और वह पहले से एक म्यूजियम के तौर पर उभर आएंगे। इसी सिद्धांत के मुताबिक 1906 साल में शुरुआत हुई और 1921 साल में कंप्लीट हुई ये म्यूजियम। इसके अंदर में बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ रखे गए हैं जो लोग देख सकते हैं, और भारत में जितना म्यूजियम भारत सरकार की ओर से चल रहे हैं ये सबसे ज़्यादा देखने वाली म्यूजियम है। साल में करीब 35 लाख लोग इसे देखते हैं टिकट कटाकर, और इससे आगे एक ही जगह इंडिया में है वह ताजमहल, जहाँ यहाँ से भी ज़्यादा लोग जाते हैं। इसके अंदर में बाबर के तरवारी, औरंगजेब के तरवारी, टीपू सुल्तान के तरवारी, मिर्ज़ाफर के तरवारी, और सारी चीज़ बहुत सारी चीज़ है जो देखकर लोग अपनी ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे हिस्ट्री नॉलेज अगर आप गेन करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन जगह है, यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। 1911 तक की मैंने नोटिस किया यहाँ पर सारी हिस्ट्री है, प्री 1911। यस यस। जब तक कोलकाता हिंदुस्तान का राजधानी था उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया। एक्चुअली सर क्यों हुआ, ये कलकत्ता शहर तो बनाए ब्रिटिश लोगों ने, किस तरह से बने जब चरणा का टाइम से होते हुए लॉर्ड माउंट बैटन तक किस तरह चले, ये सारे इतिहास में यहाँ लिखा हुआ है, आपको जानना चाहिए फॉर दी इंडियन हिस्ट्री एज वेल फॉर दी हिस्ट्री ऑफ मुगल्स। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हम जोधपुर पार्क एरिया में आबर बैठक में कुछ खाने के लिए आए। यहाँ पर एक डिफरेंट थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है, थीम बेस्ड कैफे है। कैफे के ओनर मेरे साथ हैं, एक बार आप हमें हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में यहाँ का थीम? हाय, फेमस डायरेक्टर सत्यजीत रे की डिटेक्टिव कैरेक्टर फेलुदा के घर है यहाँ पर, और ये मेरी बहुत फेवरेट है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर थीम बना के कैफे बनाया, और खाना और बंगाली थीम में कॉन्टिनेंटल डिशेज यहाँ पर मिलते हैं। Fantastic. Thank you so much. अभी हम अपने लिए कुछ मंगाते हैं, हालांकि यहाँ पर continental food available है, but I am thinking of fish. Fish and chips. Yeah. वैसे इस समय मैं मगनलाल मेघराज की गद्दी पर बैठा हूँ आपके सामने, करेक्टर हमारे लिए फिश आ चुकी है। वैसे पहले मैं बेटकी फिश खा चुका हूँ यहाँ आने के बाद। इसमें मेरे को ना एक दो चीज बड़ी शानदार लग रही है जो मैं पहले से ही जानता हूँ। नंबर वन, इसके अंदर फिले फॉर्म में मिलती है, तो मेरे जैसे लोग जो अभी हाल ही में फिश खाने शुरू किया उनको बड़ा मजा आता है, मतलब गुड। अदर थिंग, ये फिश का टेस्ट मेरे को बड़ा पसंद आया। कोलकाता में बहुत चलती है बेट की फ्रेश वाटर फिश एंड वेरी टेस्टी। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मयोनीज नहीं है, टाटर सॉस है। सॉलिड है। मैंने यहां पे पता लगाया ये लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं इस जगह पर। वाकई में बहुत सॉफ्ट फिश है, बहुत टेस्टी, मजा आ गया, टू गुड। कैसा लगा टेस्ट? टेस्ट तो बहुत अच्छा है सर, और ये इस कोलकाता टूर में ना फिश खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो तो है। ये तो बात बिल्कुल सही है। एक चीज़ मैंने और बाद में सोच रहा था खाते खाते कि इसके अंदर ना मस्टर्ड पेस्ट की भी फीलिंग आती है मैरिनेशन में, वो हल्का हल्का सा महसूस होता रहता है। गुड, बहुत बढ़िया। आज संडे की वजह से रोड्स पर ट्रैफिक काफ़ी कम है,
नोटिसेबल डिफरेंस है वीकडे ट्रैफिक वर्सेस संडे ट्रैफिक। अभी हम थोड़ी देर पहले एक रेस्टोरेंट में लंच करने गए थे, वेटिंग चल रही थी, तो लंच हमने वहां पर पोस्टपोन कर दिया और वहां पर आज हम अर्ली डिनर करेंगे। मैं कोलकाता में जितने दिन भी हूं ना, मेरी कोशिश रहेगी डेली बेसिस पे 2 या 3 मिठाई जरूर खाऊं। तो कहने का मतलब यह, अगर मैं एक हफ्ते में 20 से 25 वैरायटी तो यहाँ पर जरूर एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। इस समय ये मैं फेमस स्वीट शॉप पे जा रहा हूँ, सामने लिखा भी हुआ है मिस्टी मैजिक। बहुत कुछ है यहाँ पर तो स्वीट्स में, ओ गॉड। हाँ भाई साहब, एक हमको सौंदेश चाहिए जिसके बीच में गुड़ होता है, दूसरा आपका बेक्ड रसगुल्ला फेमस है, और क्या आपका फेमस है? मैंगो कर्ड। हाँ मैंगो कर्ड, तो हमको आप तीनों चीज़ दे दीजिए। तीनों चीज़ आ गई हैं, जौल भरो संदेश, बेक्ड रसगुल्ला और मैंगो दही। आपको मालूम है मैं कोलकाता विंटर्स में क्यों आया? क्योंकि मैं सौंदेश खाना चाहता था जिसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल हो। ये विंटर्स की ही आइटम है, ये है लिक्विड गुड़ जो अंदर है इसके। चाइना से इसको तैयार किया गया, मैं पहली बार खा रहा हूँ। क्या चीज है, उफ। किसी भी मिठाई को मेरी जिंदगी में खाने के बाद इसको मिडिल से टूटे ज्यादा गुड़ निकला। ये क्या? ये सेम चीज है, मशीन में बनता है ना, इसमें राउंड शेप का। अच्छा सेम चीज है, सेम चीज, इसमें ज्यादा थोड़ा लिक्विड मिलेगा, दोनों हाथ से टूटे। हाँ कर तो बड़ा जबरदस्त है, उफ, मतलब आप मुंह में डालो और पूरा पिघल जाता है। चाइना इस फॉर्म में और ऐसा टेस्ट दे सकता है, वर्ड्स ही नहीं है इसके टेस्ट को डिफाइन करने के लिए। आप देखो इसको क्लोजअप में, ओ, 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 ये है वो गुड़ लिक्विड, ब्यूटीफुल। ये भाई साहब ने एक अच्छी बात बताई है, इसके अंदर खजूर का गुड़ इस्तेमाल होता है, टू गुड़ यार, बहुत शानदार। कितनी हैरानगी होती है ना ये नाम सुनकर, बेक्ड रसगुल्ला, ये गरम करके दिया मुझको, ये मुझे इन्होंने बताया, ओह वेरी सॉफ्ट, मुझे बताया कि रसगुल्ला बनाने के बाद गुड़ में उस पर मलाई डाल के उसको बेक किया जाता है। ये तो मतलब रेसिपी सुन के हैरान हो गया आदमी कि ये चीज क्या है। टू गुड, बहुत ही शानदार। आइस को क्लोज कर लो और इसके टेस्ट में खो जाओ। ये ओ टू गुड, दिस इज रियली टू गुड। ये सारा अंदर आप देख रहे हैं मैंगो पल्प, मेरे को सीरियसली मन हो रहा है बिना एग्जैजरेशन के। बेक्ड रसगुल्ला, सौंदेश और मैंगो पल्प, मैं कम से कम 3-3, 4-4 खाऊं, मतलब लंच डिनर सबके पास यही खाऊं, इतना जबरदस्त है। उफ, बहुत बढ़िया। सोचो ना मैंगो का टेस्ट साथ में दही ठंडा, बहुत बढ़िया। आज मैंने ये जो 3 स्वीट डिश खाई है ना, ये खाने के बाद मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, इंतहा हो गई है टेस्ट की, इससे छोटा वर्ड नहीं है। बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। अभी हम ऐसी जगह आए हैं जिसको किसी भी तरह से एक्चुअली में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस प्लेस इज सो फेमस। हम नंदन की बात कर रहे हैं,
ये मल्टीप्लेक्स है, यहाँ पर मेन स्ट्रीम की फिल्म्स कम लगती हैं और आर्ट फिल्म ज़्यादा लगती हैं, खासतौर पर बंगाली लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में भी। ये इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंडर है। ये जगह ऐसी है जहाँ पर आपको सातों दिन कभी भी आ जाओ बहुत चहल पहल दिखेगी। हालांकि आज संडे है लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि वीक डेज में भी बहुत चहल पहल रहती है। यहाँ पर आपको फिल्म का जो प्राइस है देखने का, टिकट प्राइस बहुत कम है, 30, 50, 70 रुपीज़ मल्टीप्लेक्स के हिसाब से वेरी रीजनेबल। और मुझे लोगों ने बताया कि शाम के समय जब आप आते हैं यहाँ पर तो आपको हर एज ग्रुप के लोग दिखेंगे, 8 से 10 साल का बच्चे भी दिखेंगे, 70 to 80 ईयर्स के लोग भी दिखेंगे। पीपल कम हेयर, सिट, रिलैक्स, हैव अ ग्रेट टाइम विद देयर फ्रेंड्स। और साथ में जिनको म्यूजिक का शौक होता है, काफ़ी लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। तो दैट वे दिस प्लेस इज लाइक कल्चरल प्लेस ऑफ कोलकाता। अभी हम यहां से आधे घंटे का सफर करके 6 बालीगंज प्लेस जा रहे हैं डिनर करने के लिए। दोपहर के समय ट्रैफिक कम था, अभी वापस बिल्ट अप हो गया है। ये रेस्टोरेंट बंगाली क्यूजीन के लिए बहुत फेमस है। हमने अपने लिए यहाँ पर दो चीज़ ली हैं। अब आप देखिए ये दोनों चीज़ हैं क्या। नारियल आपको दिखाई दे रहा है, ये नारियल के अंदर प्रॉन्स है। मोचर पातुरी उन लोग के लिए जो वेज खाना चाहते हैं, अदरवाइज जो फेमस है वो है फिश पातुरी। नीचे आप देख रहे हैं बनाना लीफ, ये जो आप देख रहे हैं ना ये बनाना फ्लावर्स हैं। इसको तैयार किया जाता है बनाना लीफ के अंदर स्टीम करके। पहले ऑब्वियसली बनाना फ्लावर को बॉईल करते रहेंगे और उसके बाद मुझे बताया गया कि मस्टर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रिपरेशन के अंदर। मुझे याद आ गया मैंने केरला में केले का फूल से बनी हुई सब्जी खाई थी, तो मेरे लिए ये सेकंड एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना तो ये बात मैं नोटिस कर रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में रोटी और चपाती बहुत चलती है, लेकिन जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं या ईस्ट की तरफ जाते हैं तो राइस डोमिनेट्स। ओहो क्या बात है। मेरे को याद है गैंगटॉक में कुछ महीने पहले जब मैं गया था और वहां पे मैंने एक ऐसी डिश खाई थी जिसके अंदर मस्टर्ड था, तो मेरे को तभी आइडिया था कि कोलकाता के अंदर मैं बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। और यहाँ पर मस्टर्ड लोगे क्या तो क्या कहने, वो बनाना फ्लावर बाद में फील हो रहा है, पहले फील हो रहा है कि मस्टर्ड का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में। केले के फ्लावर का अपना टेस्ट और उसके ऊपर मस्टर्ड का टेस्ट, दो एक्सट्रीम्स। डाब चिंगड़ी भी ना बड़ी गजब की चीज है। अब इसमें कितना हैरानगी होती है देखकर कि इस तरह से टेंडर कोकोनट के अंदर प्रॉन से बनी हुई चीज बनाकर सर्व करेंगे। ये प्रॉन्स है, मैंने ये पता लगाया, ये छोटे छोटे पीसेस में प्रॉन्स को काटा हुआ है, आई मीन द स्मॉलर वंस, और इसको बनाया गया है मस्टर्ड के अंदर और साथ में कोकोनट मिल्क। मैं अभी खाते खाते सोच रहा था इसके अंदर हालांकि ग्रीन चिली है लेकिन टेस्ट के अंदर ना तीखा नहीं है, तो ये कह सकते हैं सूटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। मस्त टेस्ट है। बॉटम लाइन मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा हो गया मैंने इस तरह के दो डिफरेंट चीज़ें अपने लिए मंगाई। और एक बात पक्का है, आने वाले कुछ दिनों में मैं और भी बहुत कुछ इंजॉय करूंगा यहाँ पर कोलकाता में, जो हटके हो। और ये एक्सपीरियंसेस तो हमेशा मेरे को याद रहेंगे, मैंने क्या क्या खा रहा हूँ आज यहाँ पर, टेस्ट इज टू गुड। इस प्रिपरेशन की जो जान है ना वो है कोकोनट मिल्क और मस्टर्ड, और इन दोनों चीज के अंदर कोकोनट मिल्क, अमेजिंग टेस्ट। ये आप एक बार दोबारा से देखो इसकी ग्रेवी, क्या इसका टेक्सचर है,
और किस तरह से टेंडर कोकोनट के अंदर इसको सर्व किया गया, और मुझे बताया गया कि इसको स्टीम भी करते हैं सर्व करने से पहले। मजा आ गया आज तो, कितना खूबसूरत और एंजॉयबल टेस्ट मैं यहां पर एक्सपीरियंस कर रहा हूं। सुपर्ब टेस्ट बंगाली क्यूजीन। हमेशा की तरह लॉन्ग डे, 8:30 बज चुके हैं, अपने होटल जाने के लिए कैब बुक करवा ली है। बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा, हमने खूब एंजॉय किया। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, कल कहाँ जाना है हमको, क्या क्या खाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, उसकी प्लानिंग आज रात को होटल जाकर करेंगे। अपने एक्सपीरियंसेस आप कोलकाता से जुड़े हुए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। आज के लिए गुड नाइट, बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर योर टाइम। जैसे जैसे मैं कोलकाता के फूड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है यहाँ की क्यूजीन एकदम अलग है। यहाँ पर हर फूड आइटम में मजा है। अगर आप फूड में मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं करते तो आप कुछ दिन के लिए कोलकाता आ जाइए, गिव इट सम टाइम। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपकी नापसंद पसंद में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा आप इंटरनेट पे मस्टर्ड ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पढ़िए, आई एम श्योर आप अपने घर में भी मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आपके रेफरेंस के लिए कोलकाता फूडीज के लिए हेवन है। जल्दी मिलेंगे नए और एक्साइटिंग सफर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।